de Pati. वाओ, हो गया होमवर्क पाखी बेटा, चलो हम चलते हैं। हाँ कल्पी, तेरा पेन तो क्लास है यार। वैसे किसने दिया तुझे ये? वो राघव बाबा ने दिया है। इनाम में मैंने मैथ्स का सम सॉल्व किया था ना, इसीलिए। पहले अबाकस और अब पेन। वाओ, ये मैं रख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव इट। लेकिन तेरे पास तो कितने सारे पेन्स हैं, एक से एक, लेकिन इतना स्मूथ एक भी नहीं। तू ना मेरे सारे पेन्स ले ले। नहीं, ये मेरा पेन है, मैं तुझे नहीं दूंगी। ये मुझे चाहिए। कमला, मैं से बोला ना मुझे पेन दे, मुझे दे नहीं रही है। मुझे चाहिए ये पेन, अभी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कल्पी दे वरना। कमला मैं से बोलो ना। हाँ हाँ बेटा, कल्पी दे देगी। कल्पी कभी किसी को मना नहीं करती है ना कल्पी। देख बेटा, तू ये पेन बाकी बेबी को दे दे, मैं तुझे दो पेन दूंगी। नहीं आई कल्पी, पेन दे दे। नहीं आई, तू हमेशा ऐसे ही करती है। और आज मैं इसकी जिद के आगे नहीं मानूंगी। ये पेन मेरा है और मैं ये पेन किसी और को नहीं दूंगी। कल्पी बेटा, तू आई की समझदार बेटी है ना, पेन दे दे। मैं तेरे को दो पेन ला के देगी। पेन दे दे बेटा। तेरी बेटी है कमला, पेन क्यों नहीं दे रही है तेरी बेटी? कितना किया है मैंने तेरे और तेरी बेटी के लिए, हम लोग कितना सोचते हैं तुम लोग के बारे में, और तू एक मामूली पेन के लिए मेरी पुक्की को रुलाएगी? तंग आ गई हूं सच्ची में तुम दोनों के साथ। कभी तू पुक्की को रुलाती है, कभी तेरी बेटी रुलाती है। पुक्की अपने खिलौने देती है ना उसको खेलने के लिए, वो एक पेन नहीं दे सकती है? दिखा दी ना अपनी औकात। चल मैं ना तुझे 100 पेन दिला दूंगी, इससे भी बेहतर पेन दिला दूंगी तुझे। नहीं, मुझे वो ही पेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और मुझे। रोना नहीं है मेरी रसमलाई। आजा आजा, बस चिंता मत कर, तेरा पेन तेरे पास ही है ना। हाँ तो बस स्माइल। ठीक किया तूने कल्पी, ये क्या हो गया तुझे? पहली बार तूने ऐसी हरकत की है। हाँ, इसने क्या गलती की है? बच्ची तो है ना ये भी, और ये इसकी चीज किसी को क्यों दे? दिव्या, बच्चों की तरह बात मत कर। एक छोटे से पेन की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की क्या जरूरत थी? पेन की बात है, कल कुछ बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ काम करते हैं, इंसाफ लोगों की तरह बड़े नहीं है हम लोग। झगड़ा करके कुछ नहीं मिलने वाला हम लोगों को, मुसीबत
हम लोगों के सर पे आ जाएगी। अलविदा। मेरे को लगा था तू आई की समझदार बेटी है, आई की बात मानेगी। आई लेकिन ये पेन। बस कल्पी आगे कुछ मत बोल। मुझे वही पेन चाहिए, कोई पेन नहीं चाहिए, मुझे वही पेन चाहिए, कोई पेन नहीं। हाय हाय नीचे क्यों बैठे? तू कि नीचे क्यों बैठे हैं बच्चे? गिरो तो फ्लोर। अच्छा नहीं तो बोल तुझे कौन सा पेन चाहिए, मैं अभी धर्मेंद्र को भेज के मंगवा लेती हूँ। बोल। मुझे कोई पेन नहीं चाहिए, बस वही पेन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मेरा फोन हो? अरे मेरा फोन क्यों बंद? तेरी वजह से खामखा तमाशा खड़ा हो गया। ये पेन तो मेरा ही है ना। ताई भी है ना कभी कभी बहुत गुस्सा होती है, देखा अभी मुझसे बात भी नहीं कर रही है। तो क्या बोलो तो मैं मर सकता हूँ ना। कहिए बाकी बेटा बहुत तू माँ की बात मानेगी ना बेटा? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो पेन चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके बेटा ये सब तू क्या कर रही है? तुझे जाके बोलो ना कमला माँ, अब जाके कल्पी को बोलो ना वो मुझे पेन दे दे, मुझे वही पेन चाहिए कमला माँ। ओके स्टॉप इट, इनफ नाउ। नीतू तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यू स्टॉप इट। ये कमला माँ और मेरे बीच की बात है, नहीं ये मेरे और वो स्टूपिड टाइपी के बीच की बात है। कमला माँ प्लीज मुझे वो पेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो पेन दिला दो। आखिर बेटा उस पेन में क्या खास बात है? देखना बेटा कल्पी बीमार दिन पकड़े हुए हैं, मैं क्या करूं? अगर आप लोग मुझे वो पेन नहीं दिला सकते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे वो पेन चाहिए, मुझे वो पेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे वो पेन चाहिए। लग गया ये बच्चा, लग गया ये बच्चा, दिखा दे प्लीज। दिखा ना रानी, खून निकल रहा है मुझे पता है। बेटा ला थोड़ी हल्दी लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा बेटा। ये चोट पे मलहम लगा के क्या दिखाना चाह रही है तू? तुझे इतनी चिंता होती ना कमला तो तू ये होने ही नहीं देती। सब समझती हूँ मैं, तू ना जानबूझकर मेरी बेटी के भोलेपन का फायदा उठाती है, ऐसी फुसलाकर उसे अपने वश में किया हुआ है तूने। जिस दिन पुकी को ये बात समझ में आएगी ना कमला उस दिन देख। नीतू प्लीज मत चिल्लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो मैंने कुछ किया क्या? कमला तू सुन रही है, मैं कुछ बक रही हूँ? 5 मिनट में अगर तूने पुकी का रोना बंद नहीं कराया ना तो देख ले।
ये लो माँ से बड़ी ड्रामेबाज। इतना सब कुछ हो गया है, अभी उपकार दिखाने आ गई है। अब रोना बंद कर वरना एक और डांट पड़ेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं जानती थी तू आई की बात कभी नहीं डाले। कैसा लग रहा है पाखी? ठीक है। मौसी, आप घर जा रहे हो ना अभी? हाँ, मेरा काम तो हो गया। मैं भी आपके साथ घर चलूं? आई तो अभी लेट आई। पाखी को चोट जो लगी है मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ड्राइंग बनाऊंगी इस पेन से जिसमें आप और मैं गार्डन में। ओके अरे राघव बाबा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती। कल्पी, ए कल्पी, कल्पी कहाँ चली गई? कल्पी, 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 कल्पी?
आरती? वो गई दिव्य के साथ। कल्पी मुझे बिना बताए घर चली गई। ये बोल दे। जल्दी आइसक्रीम 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 मुझे एक आइसक्रीम दो। कहाँ रखा? आई शपथ भूल गई वो। अब भी लेके आती हूँ लाल साड़ी। ताई 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 उधर लागे ना, बहुत बड़ा ना, भागो। लागे वापस। लागे भागो। चल चल भागो। बड़ा भागो। टॉप 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 टॉप। आई गो। अरे क्या ताई? तुम तो इधर भी फिसल जाती हो। वैसे इधर ये फिसलन कैसे हुई? इसका हिसाब तेरी आई से नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी मंदा नहीं। I'm stuck at home with the kids all day. मीमसा, मैं घर जा रही, बाकी बेबी सो गई। बड़ी जल्दी खत्म हो गया तेरा काम, पानी दे। तो तू आ जाना यार। 7:30 बज गए मीमसा, घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएंगे। Listen, I'll call you back. कल्पी वैसे भी नाराज होके गई है, घर पहुंचूंगी तो उसे भी देख लूंगी। कमला तेरी बेटी को इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो भी एक छोटे से पेन के लिए, पहले नहीं दे सकती थी? मुझे ना बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। माना तेरी दो दो बेटियां हैं, तू महान है, लेकिन आज तेरी बेटी की वजह से पुकी बहुत अपसेट हुई है और रोई है। दोबारा ऐसा ना हो ना, वही बेहतर होगा। और हाँ, आज तू आधा घंटा लेट जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह भी तू आधा घंटा लेट आएगी। सुबह टाइम से आना। बेटा तू बराबर पढ़ाई कर रहा है ना? वो तेरी आई ने कहा तुझ पे नजर रखने को। हाँ बाबा। क्यों? नहीं, वो कभी पढ़ते हुए नहीं देखा ना ऐसे किताब लेकर बैठकर, कभी नहीं। अरे देख, आज दोपहर को मैं तेरे साथ मंदिर में बैठा था। कल कल्पी कल्पी जरा क्या हुआ? बस चुप चुप आई कहा? किसी ने तुझे कुछ कहा कल्पी? तू मुझे बता, मैं उसे वो दरवाजे के पीछे रखा है डंडा। नहीं सच्ची में बाबा, रोज रोज मेरे बहन को कोई रुलाएगा तो मैं चुप। चला क्या हुआ? हाँ
पता क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? क्यों रो रही है? उस सिंघानिया सेठ के बेटे ने मुझे पेन गिफ्ट पे दिया था, लेकिन पाकी ने जिद कर कर मुझसे पेन ले लिया और तुझे देना पड़ा। मतलब जब उसने गिफ्ट तुझे दिया था तो वो पेन तेरा हुआ ना, तो वो मेम साहब की बेटी ने काय को तेरे से मांगा और तूने काय को दिया। कल्पी, आज मुझे बहुत गर्व है तुझ पे। मालूम है विठल, आज कल्पी ने दिखा दिया कि वो मेरी बेटी है, मेरी समझदार बेटी। वो आज पाकी ने ना मत बना मेरी राजकुमारी को दूसरी कमरा, मत बना।